हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आपका फिर से वीडियो में स्वागत है। जैसा कि यहाँ का पहला वीडियो देखा आपने, नेक्स्ट वीडियो में जो पीछे बहुत सारी ट्रैक्टर्स खड़ी हैं उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा आया था पिछले टाइम, मिनी ट्रैक्टर्स देखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको, तो वीडियो को पूरा वीडियो एंड तक देखना। इसका तो आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल चुका है, तो अगर जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा इन सभी ट्रैक्टर्स का डिटेल्स आपको मिलने वाला है, तो पूरा एंड तक देखना। और साथ ही 90% लोग जो बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक आशा है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 1345, स्क्रीन में दिख रहा है, या फिर लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें फॉलो कीजिए। ये पावर ट्रैक तो ऊँची मॉडल रखे, ऊंची मॉडल 50 है और 2017 मॉडल। इसका डिमांड बहुत है ना, डिमांड यूरो 50 चलती है। अच्छा, कितने एचपी माता है ये? 50 HP का। 50 HP मिल जाएगा। इसका प्राइस क्या रखे? 4 लाख रुपए। 4 लाख। मॉडल क्या बताया? 2017 का मॉडल है। और फ्यूल टैंक तो 60 के ऊपर होगा? नहीं, 62 लीटर। 62 लीटर। और रनिंग इसका चालू है क्या? रनिंग चालू है, 800 कुछ घंटे चले। 800 घंटे, ज्यादा नहीं चली है? बैंक की गाड़ी है, ज्यादा चलती है। वॉशिंग क्या होगा इसका? इसको भी 4 करा के देंगे। एक्चुअली मैं की 17 है, हाँ। लेकिन हम 4 करा के देंगे। अच्छा, जिस वॉशिंग में चाहिए बोले तो उस वॉशिंग में मिल जाता है? अगर उसमें पॉसिबल होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो 4 करा के तो देंगे ये। और जैसे किसी को लेना है लोकल में ही, तो स्टार्टिंग में कितना देना है? फाइनेंस कराना है तो फिर डाउन पेमेंट के ऊपर है। डाउन पेमेंट जितने का ट्रैक्टर से रहेगा उतना है। इसका प्राइस क्या? 4 लाख। 4 लाख। अच्छा, इसके बाद देखते हैं न्यू हॉलैंड 3230। ये कौन सा है? न्यू हॉलैंड 3230 है ये। ये 42 HP में आता है। 42 HP में आता है। और ये कितना है इसका प्राइस? 2012 मॉडल है। इसको देना है फाइनल 2,60,000 रुपये। 2,60,000 फाइनल रेट। हाँ। अच्छा, इसमें हम बैटरी लगा के देंगे, फूड लगा के देंगे, साइलेंसर क्या एक्चुअली में क्या निकाल रहा था तो टूट गया। अच्छा अच्छा, इस वो भी लगवा के देंगे? वो भी नहीं लगा के देंगे, मतलब सभी चीज कंप्लीट, छतरी वगैरह पूरा लगेगा, कंप्लीट करके देंगे। 2,60,000। 2,60,000। कितनी गाड़ियाँ हैं लगभग पीछे? पीछे कम से कम 8 से। तो भैया मिनी ट्रैक्टर्स में भी कौन कौन सा दिखाने वाले हैं? मिनी ट्रैक्टर में अभी फिलहाल तो मेरे पास एक ही है। हाँ। फोर्स का है। हाँ। 2016 मॉडल। अच्छा, क्या कंपनी बोले? फोर्स ऑर्चर्ड DLX ना। हाँ। और इसका कितने HP में आता है ये? 17 HP में आएगा, जहाँ तक जो भी बच्चा मॉडल है ये थोड़ा ज्यादा में आएगा। 30 HP या 25 HP के आसपास। 30 या 25 HP में है। पासिंग कहाँ का है? एक्चुअली में क्या है ये? हाँ। धमतरी पासिंग है। धमतरी CG056 है। 6 है? नहीं, 5 पास है। हाँ, धमतरी लिखा हुआ है वैसे। और इसका प्राइस क्या रखें? इसका 190 रखें। 1,90,000 जी। और कुछ ये बाकी कंप्लीट? और कुछ कंप्लीट है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम। पेपर वेपर सब कंप्लीट? पेपर ऊपर सब कंप्लीट। अच्छा, और जैसे किसी का डिमांड रहा मिनी ट्रैक्टर्स में तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा ना। हर प्रकार का मिनी ट्रैक्टर अपने पास आते रहता है। ऑलरेडी भी अभी 4 ट्रैक्टर हम खरीदे हैं। हाँ। जो आने वाला। अच्छा, इसके बाद देखते हैं स्वराज 735 HP। ये कौन सी मॉडल में? 2012 की मॉडल है जी। और कितने HP में होगा ये? ये 39 HP का है। 39 HP में। इसका प्राइस क्या रखें? 2,70,000 रुपये। 2,70,000। और बाकी इसमें कुछ काम जा? कोई काम नहीं है। हाँ। जिसमें हम बोले हुड तो लगा हुआ है ऑलरेडी। हाँ। सेल्फ स्टार्ट बैटरी देंगे। हाँ। जो भी अन्य प्रकार का छोटा प्रकार छोटा काम है। हाँ। वो पूरा करके देंगे। पूरा करके देंगे, ये है वो सब लगा के देंगे। मतलब प्राइस क्या बोले आप इसका? 2,70,000। 2,70,000। बाकी पेपर वगैरह इसका भी कंप्लीट है? सब कंप्लीट रहेगा। सब कंप्लीट रहेगा ना। इसके बाद देखते हैं महिंद्रा अर्जुन है शायद, है ना? ये महिंद्रा अर्जुन भी? महिंद्रा अर्जुन 605 है। हाँ। अच्छा, 2000 HP में? ये 60 HP का। 2000 की? तो कौन सा मॉडल? 11 मॉडल। 2011 का मॉडल। बाकी पासिंग कहाँ का है? पासिंग CG04 है, रायपुर का पासिंग है। प्राइस क्या रखें? और इसका? इसका रखें 2,40,000। 2,40,000। बाकी पूरा कंप्लीट है? कंप्लीट है। हाँ। में क्या है, ये बिक गई है, इसके सौदा पेमेंट आ गया, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, बाकी और जैसे कि बहुत अदर स्टेट के आते हैं, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है लेने में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। CG04 और पेपर अपने पास पूरी ओके मिलेगा। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा चलो, इसके बाद देखते हैं महिंद्रा 255 DI। ये कौन सा मॉडल है? ये 2010
2010 का मॉडल, ये पासिंग हो गया बिलासपुर। ये कितने एचपी का है? ये 255 डी है, 35 एचपी के लगभग। कुछ डाउट रहेगा तो कॉल कर लेना, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप या फिर गूगल से सर्च कर लेना कि 255 डी आई कितने एचपी में आता है, या फिर मैं स्क्रीन में भी शो कर दूंगा। इसका प्राइस क्या रखेंगे? प्राइस तो क्या भैया है ही नहीं, अच्छा तो बता नहीं पाऊंगा, बाकी वो कॉलिंग से पता चलेगा। कॉलिंग कर लीजिए आप, कॉलिंग के लिए बिल्कुल हाँ अलग अलग। इसके बाद देखते हैं ये आईसर, आईसर 242 है, ये कितने एचपी में? 242 35 एचपी, 35 एचपी। मॉडल कौन सा है? 2010 का है जी। 2010 का मॉडल, आपके पास पुरानी मॉडल बहुत ज्यादा है। नहीं तो पुरानी मॉडल इसलिए ज्यादा रखते हैं, उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है। बात तो सही है, किसान जो भी आते हैं पुरानी मॉडल ज्यादा ढूंढते हैं। क्या हर किसान तो पैसे वाले नहीं है, पुराना मॉडल इसलिए रखते हैं। अपने पास जितने भी कस्टमर आते हैं सबसे पहले पुराना मॉडल पूछते हैं, तो हम लोग पुराना ही ज्यादा रखते हैं। अच्छा, पुराने का रिक्वायरमेंट ज्यादा ज्यादा। हाँ, वैसे कमेंट भी बहुत आ रहा था कि पुराने ट्रैक्टर्स 1-1.5 लाख में मिल जाए या फिर 2 लाख के बजट में। इसका पासिंग भी बिलासपुर है, बिलासपुर है। इसका प्राइस क्या रखें? 1.5 लाख, 1.5 लाख ओनली। इसका भी सब कंप्लीट है? सब पूरा कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद महिंद्रा 475 वो कौन सी मॉडल है? ये 2012 का है, 2012 का मॉडल है। वो कितने एचपी में आता है? 75। इसका डिमांड भी बहुत है, 275 और 475 एक्चुअली में क्या है, भूमि पुत्र या सरपंच, भूमि पुत्र का ज्यादा मांग। अच्छा, भूमि पुत्र का ज्यादा मांग। तो इसका कितने एचपी बताइए? ये 45 एचपी के आसपास आएगा। प्राइस क्या रखे इसका? इसका 2,20,000 रुपए, 2,20,000। बाकी इसका तो सब बंद हो गया होगा, मीटर वगैरह? मीटर तो देखो ट्रैक्टरों में तो मीटर को बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रैक्टर में आज तक के मैं कंपनी में भी 20 साल, कम से कम 10 साल काम किया हूँ, न्यू हॉलैंड में किया हूँ, स्वराज में किया हूँ, ये सब मिला के 12-15 साल काम किया हूँ, तो मीटर लोग को नहीं देखते, मीटर को नहीं देखते जी। अच्छा, उसके बाद और कौन सी ट्रैक्टर है? सोनालिका है, सोनालिका, उसको दे देंगे हम 1,20,000 रुपए में। वो भी बहुत पुराना मॉडल है, 5 या 6 का है। अच्छा, 5 या 6 का मॉडल। थोड़ा उधर से सोनालिका, सोनालिका 2016 का है, 2016 का मॉडल है। ई आई 35 है, ई आई 35। कितने एचपी में आता है ये? 35 रहता है ना। ये कहाँ का पासिंग है? ये पासिंग देखी नहीं, क्या मैं देखा नहीं हूँ। अच्छा, पासिंग देख लीजिए, इंटरनेशनल सोनालिका करके है, CG8 राजनांदगांव पासिंग में, CG08। इसका प्राइस क्या रखे? 18 है क्या? अच्छा सॉरी, 18 है। आप गूगल में सर्च कर लेने या फिर स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा। और इसका प्राइस क्या रखें? 3,10,000 रुपए रखे हैं, जिसमें चारों टायर नई डाल के देंगे। अच्छा, चारों टायर नई डाल, सीट कवर वगैरह सब पूरा बैटरी वैटरी करके लगा, पूरा कंप्लीट करके दोगे? अच्छा, 3,10,000। अच्छा, बाकी ओके है पूरा? इसका पेपर वगैरह, पेपर वगैरह सब ओके करके देंगे। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप सब्सक्राइबर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, लॉग चित्रण भाई को इतना शेयर करो भाई, बहुत बढ़िया इंसान है, और लाइक इतना करो क्योंकि हम भी लाइक करते हैं। थैंक यू भैया। ओके ओके, और कुछ बोलेंगे अपने गाड़ी ट्रैक्टर? बिल्कुल, गाड़ी के बारे में बोलूंगा सर, बिल्कुल आइए आप, हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ी मिलते हैं, और बिल्कुल आपके रेट में देंगे, और बहुत बढ़िया गाड़ी देंगे, आपके पसंद से देंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। अच्छा, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। तो वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।